So, we were doing reproduction in flowering plants. और रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हमने बेटा डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट किया था, बट यहाँ पे देखो हमने क्या करना है, दैट इज एक ये हमने कर भी लिया था, बट एक चीजें इनमें से कुछ ये बॉक्स में लिखना है आपने बेटा, कुछ चीजें मैं दोबारा से रिवाइज भी कराऊंगी और इसमें कुछ नई चीजें भी है। तो प्री पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले पोलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है ये मैंने आपको बताना। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मतलब मेल गैमेटोफाइट। ध्यान से इधर इधर उधर सिर नहीं होना चाहिए, कोई बालों को नहीं टच करना, कुछ नहीं, सिर्फ इधर ध्यान, ठीक है ना, पिंस लगा के बैठो, कुछ करके बैठो, इधर बिल्कुल। डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन इज प्रीकॉक्सियस। प्रीकॉक्सियस का मतलब है दैट इज स्टार्ट्स व्हेन अटैच्ड विद पेरेंट प्लांट। गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है ना, पोलन ग्रेन इज मेल गैमेटोफाइट। प्रीकॉक्सियस मींस जब ये अपने पेरेंट प्लांट से अटैच्ड है तभी से इसकी डेवलपमेंट शुरू हो जाती है। सेकेंड पॉइंट क्या होता है, पहली बात क्या है, फॉर्मेशन ऑफ, सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ इंटाइम एंड एक्साइम, अनदर इज एनलार्जमेंट ऑफ पोलन ग्रेन बाय डेवलपमेंट ऑफ वैक्यूल्स। पहले पोलन ग्रेन है, इसमें एक न्यूक्लियस है एन, इसमें इंटाइन एंड एक्साइन बनाई, उसके बाद इसमें बहुत सारे वैक्यूल डेवलप हो गए, बहुत सारे। जिसने न्यूक्लियस को भी साइड में कर दिया, ओके। उसके बाद ये सारा आपने बॉक्स में लिखना है। देन फोर्थ पॉइंट क्या है, द न्यूक्लियस, या हम कहेंगे यू कैन से माइटोसिस इन पोलन ग्रेन टू फॉर्म वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल। ये आपको पता है, इसके बाहर एंजाइम भी आपने बनानी है। टू फॉर्म टू सेल्स, लार्जर वन इज जेनरेटिव सेल, इट हैज इरेगुलर न्यूक्लियस, ये आपको पता है, लॉट ऑफ वैक्यूल्स, सो दिस इज जेनरेटिव सेल, दिस इज वेजिटेटिव सेल, इज इट राइट। तो दिस इज डेवलपमेंट। और उसके बाद क्या है, फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, फॉर्मेशन ऑफ
कैलोस वॉल, कैलोस एक कार्बोहाइड्रेट है, कैलोस वॉल अराउंड जेनरेटिव सेल। जब ये कैलोस वॉल डेवलप हो जाएगी तो जेनरेटिव सेल बिकम्स फ्री फ्रॉम इट्स सेल वॉल। दिस इज, ये बाहर क्या है, कैलोस वॉल। ये बहुत सारे वैक्यूल्स हैं। और इसके बाहर ये एग्जाइम तो है ही है, ठीक है। और उसके बाद साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल इज रिच इन फूड रिजर्व, हैविंग स्टार्च एंड फैट्स। इज इट ओके? सो दिस इज अबाउट, आपने एक बॉक्स बनाना है और ये लिखना है, और यहाँ पे सिंपल पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट इज लिबरेटेड एट टू सेल्ड स्टेज इन, ये मैंने पहले भी लिखवाया था, इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स और फ्लावरिंग प्लांट, राइट। तो यहां पे मैंने दोबारा से लिखवा दिया, बट यहां पे मेन पॉइंट क्या लिखवाना था, प्रीकॉक्शियस, ठीक है जी। ये लिख लो एक बार, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा, एक टॉपिक है दैट इज पोलन एलर्जी। क्योंकि जो पोलन की वॉल है, पोलन वॉल हैज स्पोरोपोलिनिन, पहली बात तो। दूसरी बात, सम पोलन हैव एडिशनल केमिकल्स सच एज सल्फर ऑन देयर सरफेस, और भी कुछ हो सकते हैं। ध्यान से, इधर दीज पोलन, पोलन्स आर इनहेल्ड विद एयर एंड सम पीपल, सभी तो नहीं, सम पीपल आर sensitive to airborne pollen, जो पोलन हवा में है। सारे पोलन हवा में नहीं होते, ये हम अभी आगे चल के बताएंगे, बट जो पोलन ग्रेन हवा में है तो सम पीपल वो इनहेल हो जाएंगे, एंड इनहेल तो सभी करते हैं, आप मैं और सभी लोग जो है हवा में जो है वही इनहेल करें, बट सम पीपल आर सेंसिटिव टू दीज पोलन। Their
immune system gets hypersensitive या हाइपर एक्टिवेटेड. Due to pollens of some plants, such as कौन से बहुत सारे लोगों को बेटा जो कांग्रेस ग्रास है यहाँ पे, ठीक है, पार्थेनियम चंडीगढ़ में तो बहुत मिलती है, राइट. सो सच एज पार्थेनियम, जिसको हम कांग्रेस ग्रास या फिर कैरेट ग्रास भी कहते हैं, ये बेटा बहुत मतलब अर्ली 80s में, है ना, या लेट 80s अर्ली 90s में अमेरिका में कनक के साथ आ गए थे, इसके कुछ सीड्स आ गए, क्या आ गए, है ना. तो कनक के साथ, कनक हमने अमेरिका से मंगवाई, तो वहां से ये कांग्रेस ग्रास पार्थेनियम के सीड्स आ गए, ग्रेन्स आ गए, क्या आया, जिससे यहाँ पे नाउ इट ग्रोज लाइक एनीथिंग. इसने क्या किया, इसने बहुत सारे हमारे इंडिजिनस प्लांट्स हैं उनको खत्म किया है, और बहुत सारे लोगों को एलर्जीज भी होती है. और भी जरूरी नहीं पार्थेनियम, पहाड़ों में चले जाओ तो पाइनस, जो पाइन्स है उनसे लोगों को बहुत ज्यादा अस्थमा होता है. अनदर इज चिनोपोडियम एजिरेटम, ये कुछ प्लांट्स है विच कॉजेस पोलन एलर्जी इन सम पीपल, नॉट ऑल, पोलन्स ऑफ सम प्लांट ड्यू टू, एंड इससे क्या होता है, एज ए रिजल्ट एलर्जी develops in their, कहां पे, क्योंकि हवा के साथ nose के through गए हैं, तो respiratory tract में allergy है, allergy of respiratory tract causing asthma. Bronchitis, etc. ठीक है, ये problems हो जाती है pollen से. So this is pollen allergy. ठीक है, if whole of body develops allergy, कुछ लोग बहुत sensitive है, कुछ ज्यादा हो गया, develops allergy, it is called as hay fever. ठीक है, पोलन से या किसी और, hay fever हम किसी के लिए भी कह सकते हैं, but पोलन से भी काफी लोगों को, अगर उनका immune system बहुत sensitive है, तो पूरी body की allergy हो गई, swelling हो गई, तो उसको हम कह देते हैं hay fever, right? जैसे मैंने पहले बताया कि भी पार्थेनियम एक वीट के साथ आई थी यूएसए से, और अब ये सब जगह फैल गई है, यूबिक्यूटस, यूबिक्यूटस मीन्स हर जगह आपको पार्थेनियम दिखेगी, राइट. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पोलन एज न्यूट्रिएंट्स. यू नो, मैंने अभी आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन्स है, दीज आर रिच इन शुगर्स, फैट्स एंड विटामिन्स आल्सो. ठीक है, यू नो दैट वर्कर हनीबीज feeds on pollen
and collect pollen for other members, जो उनकी society के दूसरे members हैं. Another is many insects and birds also feed on pollen grains. PG मतलब pollen grains. Another is pollen grains are used as supplements in the feed of horses to increase. ये क्या है? Increase का sign है. To increase their agility, agility का मतलब है उनकी रफ्तार बढ़ाने के लिए, उनको strong करने के लिए. And the last, nowadays pollen grains are used to make syrups, pollen tablets for increasing fitness of athletes. अगर घोड़ों की एजिलिटी बढ़ सकती है तो एथलीट्स की क्यों नहीं? तो इसलिए आजकल ये भी अवेलेबल है, राइट? लिख लो फटाफट. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा पोलन वायबिलिटी. वायबिलिटी एक इंग्लिश का वर्ड है. वायबल, ये प्रोजेक्ट वायबल है. वायबल मतलब इस प्रोजेक्ट को किया जा सकता है, ठीक है? और कोई है भी, ये तो नॉन वायबल है, इसको तो किया ही नहीं जा सकता, इतनी मुश्किल है, ये है वो है. इस तरह से पोलन वायबिलिटी, पोलन वायबिलिटी का क्या मतलब है? एबिलिटी ऑफ द पोलन ग्रेन टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज कॉल्ड एज वायबिलिटी. ठीक है, अब यहां पे पहले समझो, पोलन ग्रेन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स रिमेन वायबल फॉर डिफरेंट टाइम स्पेंड. ये नहीं कि वो हमेशा जिंदा रहते हैं, हर एक का एक लाइफ स्पैन तो है ही है. कुछ पोलन थोड़े टाइम तक जिंदा रहते हैं, कुछ के पोलन बहुत टाइम तक जिंदा रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पोलन ग्रेन ऑफ वीट एंड राइस रिमेन वायबल फॉर अबाउट 30 मिनट्स, आधे घंटे तक. उसके बाद अगर उन्हें सुटेबल स्टिग्मा नहीं मिलता है तो वो मर जाते हैं. अनदर इज पोलन ग्रेन्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली रोजेसी, जिसमें रोज आता है, लेग्यूमिनोसी जिसमें लेग्यूम्स आते हैं, दालें वगैरह आ जाती है, और इसमें एक और फैमिली है एंड सोलेनेसी,
Solanum, potato family. Remain viable for many months. ठीक है, तो इस तरह जिन पोलन्स की वायबिलिटी ज्यादा टाइम तक रहती है उनको हम स्टोर कर सकते हैं, राइट? जिनकी वायबिलिटी 30 मिनट बाद खत्म हो जाएगी उनको स्टोर करके क्या फायदा, राइट? उनको तो हम, मेरा मतलब कि यहां से कहीं और लेके जाना, वो तब तक बेचारे मर जाएंगे, इसलिए उनको स्टोरेज करने का कोई फायदा नहीं. देयरफॉर पोलन्स ऑफ सच प्लांट्स, सच प्लांट्स मीन्स लॉन्ग वायबल कैन बी स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट कितने टेम्परेचर पे? लिक्विड नाइट्रोजन का टेम्परेचर कितना होता है? -78. मुझे अब ये नहीं पता, बट -196 डिग्री सी हम कहते हैं. अब -78 किस यूनिट में हो आई डोंट नो, बट इट इज एट -196 डिग्री सी. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्रायो, क्रायो मतलब लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन. The site where pollens are stored, इनको हम बोलते हैं pollen banks. And one more point, eighth point, the viability of pollens depend on temperature and humidity. अगर टेम्परेचर बहुत हाई बहुत लो, ह्यूमिडिटी बहुत हाई बहुत लो हो, तो पोलन्स जल्दी उनकी वायबिलिटी खत्म हो सकती है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल हमारा लाइफ स्पैन अगर देखा जाए ह्यूमंस का, तो 100-105 ईयर्स है, बट ये कंडीशंस पे भी तो डिपेंड करता है, ठीक है? हमारी बॉडी कैसी है, हमारी कंडीशंस कैसी है. हर इंसान तो जो है 100 साल, चाहे वो एक्सीडेंट में नहीं भी डेथ हुई है, कोई मेजर प्रॉब्लम भी नहीं है, बट इवन देन every person doesn't live at the age of about 100-105 years, और बहुत कम लोग हैं, ठीक है? जबकि लाइफ स्पैन इतना है हम लोगों का, ठीक है? तो इसी तरह से पोलन की वायबिलिटी, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई लो है, तो पोलन की वायबिलिटी, हम तो कहते हैं जेनेटिकली इसके 6 महीने तक ये वायबल रह सकता है, बट अगर इसको सही एनवायरमेंटल कंडीशन मिले तब ये 6 महीने तक वायबल रह सकता है. Do you get me? समझ में आई? ठीक है, लिख लो अपनी मैम. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा मेगास्पोरोफिल. नेक्स्ट इज मेगास्पोरोफिल. मेगास्पोरोफिल इज पिस्टिल और कार्पल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट. इट इज फीमेल सेक्स ऑर्गन, या हम कहेंगे इट इज यूनिट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज हम बोलते हैं गाइनेशियल.
गाइनेशियम इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसका यूनिट है पिस्टिल या कार्पल. ठीक है, इधर ध्यान दो. इट कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, चाइल्ड एंड ओवरी. स्टिग्मा जो है इट कैन बी ड्राई एंड फेबरी टू कलेक्ट एयर बोर्न पोलन, जो हवा से लेने हैं, ड्राई है और फेबरी है. ठीक है, ताकि हवा से वो फटाफट. और इट कैन बी स्टिकी इन केस ऑफ एंटोमोफिली. एंटोमोफिली मीन्स इंसेक्ट पॉलिनेशन, राइट. देन स्टाइल, इट कैन बी सॉलिड और इट कैन बी होलो. इन सॉलिड स्टाइल देयर इज ए हैज कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब ने ग्रो करना है. अगर सॉलिड रहेगी तो पोलन ट्यूब कहां से ग्रो करेंगे? तो उसके बीच में क्या है, एक कैनाल है विच इज फॉर्म्ड ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू, राइट. हॉलो तो है ही है. उसके बाद ओवरी, ओवरी जो है इसको भी हम मेगास्पोरोफिल कह सकते हैं. ओवरी को भी हम पूरी पिस्टिल को भी मेगास्पोरोफिल कहते हैं, या ओवरी को भी कई बार मेगास्पोरोफिल कह देते हैं. हैज प्लेसेंटा इनसाइड ओवेरियन कैविटी और लोक्यूल फ्रॉम विच ओव्यूल्स अराइज. यहां पे ये है ओवेरियन लोक्यूल. और ये अंदर क्या है, प्लेसेंटा. और यहां से क्या अराइज होते हैं, ओव्यूल्स. इज इट राइट? सो ओव्यूल्स को क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स ऑल्सो कॉल्ड एज मेगास्पोरेंजिया. एंड यू नो ये हमने प्लस वन में किया था अरेंजमेंट. आप बताओगे मुझे शिवांशी, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन प्लेसेंटा इज कॉल्ड एज. हाँ जी बेटा शिवांशी बताओ क्या बोलते हैं इसको. हम शिवांशी से, क्योंकि शिवांशी के ये आया नहीं था पेपर में. चलिए आप हाँ बोलो. सरगम बता रही है. हाँ मैम प्लेसेंटेशन. वेरी गुड सरगम, इट्स कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. इज कॉल्ड एज प्लेसेंटेशन. अनदर थिंग, जो गाइनेशियम है ये हमने मॉर्फोलॉजी में किया भी था. गाइनेशियम इट मे हैव सिंगल कार्पल और मेनी कार्पल. अगर सिंगल कार्पल है
तो हम क्या बोलते हैं, मोनो कार्पेलरी ओवरी और दिस इज मल्टी कार्पेलरी कंडीशन. अगर मल्टी बहुत सारे हैं कार्पल्स तो दो टाइप के हो सकते हैं. देयर कैन बी प्री कार्पल्स और फ्यूज्ड कार्पल्स. हाँ जी भव्य है, बताओ अगर प्री कार्पल्स हो तो क्या बोलते हैं उसको? मगर अगर फ्री कार्पल्स है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? हरगुन आप बताओ, याद नहीं है? किसको याद है? सरगम, शिवांशी? इट इज एपोकार्पस कंडीशन. एपो मतलब फ्री और इससे याद आया फ्यूज्ड को हम क्या बोलते हैं? Mamsen corpus. Very good. It is syncarpus. Apocarpus की example आ जाती है बेटा Ranunculus, commonly इसको बोलते हैं buttercup. Another is Michaelia, रात की रानी जो हो जाती है, दैट इज माइकेलिया. सिनकार्पस की एग्जांपल आ जाती है बेटा जो हिबिस्कस, चाइना रोज जो है. अनदर इज पॉपी, पॉपी सबको पता है. तो दिस इज अबाउट कार्पल्स. कार्पल के बारे में जो बताना था कि एक तो कार्पल क्या है, इट हैज थ्री स्टिग्मा स्टाइल ओवरी. उसके बाद एक गाइनेशियम में एक कार्पल है या एक से ज्यादा कार्पल है. अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पेलरी, बहुत सारे हैं तो मल्टी कार्पेलरी. मल्टी बहुत सारे हैं तो वो या तो फ्री है या फ्यूज्ड है. अगर फ्री है तो एपोकार्पस और अगर फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस. एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी, ठीक है? करो अभी. चलिए जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ मेगास्पोरेंजिया और ओव्यूल्स. तो अगर आपको याद हो हमने ये प्लस वन में भी किया था, ओव्यूल के क्या क्या पार्ट्स है बच्चे? ओव्यूल के अंदर ये ध्यान से देखो, देयर इज ए पेरेन्काइमेटस टिश्यू कॉल्ड एज, ये सारा इसी तरह से सेल्स बनाने हैं आपने. दिस इज कॉल्ड एज न्यू सेल्स. इट इज कवर्ड बाय वॉल्स कॉल्ड एज इंटेग्यूमेंट. The stalk of the ovule is called as funiculus. The point where the ovule is fused with funiculus is called as hilum. The region where integuments are absent, this is called as micropyle.
And the end opposite to micropyle is called as chalasa. Ye jo ovule hai, this is straight ovule. Ya hum kehte hain orthotropous ovule. क्या मतलब है, हमने कैसे कहा कि ये स्ट्रेट है कि ऑर्थोट्रोपस है? इसका मतलब है माइक्रोपाइल चलाजा एंड फ्यूनिकुलस इन स्ट्रेट लाइन. आप ये पूछ सकते हो कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो फिर और कैसे हो सकते हैं? तो ये देखो कि अगर यहाँ पे कंपास रख के इसको घुमा दिया जाए इस तरह से, तो ये है माइक्रोपाइल, ये है चलाजा और ये है फ्यूनिकुलस. दिस इज कॉल्ड एज हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल. इसमें क्या है, फ्यूनिकुलस एट राइट एंगल टू माइक्रोपाइल. आपने पूरा लिख लिया, ठीक है. चलिए, ये तो हेमी एनाट्रोपस हो गया. अगर ओव्यूल में ये एंगल 90 डिग्री का ना होकर कोई और हो जाए, थोड़ा सा और घूम गया ये, यहां पे क्या है, दिस इज कॉल्ड एज एम्फीट्रोपस इन विच द देयर इज एन एंगल अदर देन 90 डिग्री बिटवीन माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकुलस. पहली बात तो ये ओव्यूल एंड इसके अंदर जो एम्ब्रियो सैक होगी इज कर्व्ड. ये माइक्रोपाइल है, ये चलाजा है, ये फ्यूनिकुलस है. दिस इज एम्फीट्रोपस. और अगर ये बिल्कुल ही उल्टा हो जाए, कि माइक्रोपाइल एंड फ्यूनिकुलस एंड चलाजा, माइक्रोपाइल कम्स नियर द फ्यूनिकुलस. दिस इज कॉल्ड एज एनाट्रोपस और इनवर्टेड ओव्यूल. These are the four main types, but इसमें सबसे ज्यादा कौन सा मिलता है, एनाट्रोपस ओव्यूल. पहले ये बनाओ,
फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि सबसे अबंडेंट कौन सा ओवरी है. मॉम फर्स्ट वाले द मोस्ट प्रिमिटिव ओव्यूल इज ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल present in most of the gymnosperms. Present in most of the gymnosperms. Whereas in most of the angiosperms, whereas in most of the angiosperms, the most common ovule is anatropous ovule. The most common ovule is anatropous ovule. Next topic hum aa jaate hai beta, development and structure of ovule. तो सबसे पहले बात तो ये है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर ओवरी एक ओवरी में हो सकता है. ये देखो यू कैन सी there can be single ovule, एक ovary में एक ही ovule है, single ovule, और it can be, you know, many ovules. There can be more than one of you. इसकी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैंगो. कैसे पता चला बेटा मैंगो अनदर इज कोकोनट? क्योंकि ओव्यूल फॉर्म द सीड. आपको पता है मैंगो के अंदर एक फ्रूट के अंदर एक ही सीड होता है. द ओवरी फॉर्म्स द फ्रूट एंड द ओव्यूल फॉर्म द सीड. एक फ्रूट में एक ही सीड है. मैंगो आपको पता है, कोकोनट पता है, एक ही सीड होता है. जबकि ये लेट अस से सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज, पोमेग्रेनेट, टोमेटो एक्सेट्रा, वहां पे एक फ्रूट के अंदर बहुत सारे सीड्स मिलते हैं. सो देयर कैन बी मेनी, राइट. दूसरी चीज पहले समझो फिर लिखना. सेकेंड पॉइंट, ओव्यूल ओरिजिनेट कहां से? ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेसेंटा. प्लेसेंटा से बनता है एज ए मुंड. मुंड क्या होता है? जैसे रेत के ढेले से होते हैं ना, रेत के मुंड्स होते हैं, ऐसे ही एक ये ऊंचाई से एक पहाड़ सा, एज ए मुंड ऑफ
new cell or cells. Parent gametous cells का, let us say, ये ओवरी है, ये प्लेसेंटा है, इसके ऊपर पेरेंट काइमेटस सेल्स का एक मुंड है एंड दिस इज कॉल्ड एज ओव्यूल प्राइमोर्डिया. देन इसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, ओव्यूल प्राइमोर्डिया gets covered by, you know, by covered by one or two integuments. ठीक है, ये क्या बनना शुरू हो गया, ये प्राइमोर्डियम है, ये न्यूसेलस है, इसके आसपास क्या बनना शुरू हो गया, इंटेग्यूमेंट्स. Stalk with which ovule is attached with placenta is called as funiculus. The point of fusion of funiculus with body of ovule is called as hilum. Junction of ovule with the funiculus. Integuments do not cover the complete ovule. The region where integuments are absent is called as micropyle. और यहां मैं सेवेंथ पॉइंट लिख रही हूं. The end of the ovule opposite to micropyle is called as, क्या बोलते हैं इसको, बोलो जल्दी से. हाँ जी, क्या बोलते हैं फर्गुन? मैम चलासा. Chalaza is called as chalaza. ठीक है, यहां तक लिखो, फिर मैं आगे बताती. तो आज के लिए लास्ट अब आ जाता है बच्चे कि ये बन गया
देयर आर, यहाँ पे एक सब टॉपिक है टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ न्यू सेल्स. यहाँ पे क्या है, मैसिव न्यू सेलर और ओव्यूल्स कौन से हैं, क्रेसी न्यू सिलेट ओव्यूल्स. और यहाँ पे थिन न्यू सेलर्स न्यूसेलस की एक या दो लेयर्स है, ज्यादा नहीं है. यहाँ पे बहुत ज्यादा न्यूसेलस है. सो थिन न्यूसेलस एंड सच ओव्यूल्स आर कॉल्ड एज टेनुई न्यूसेलेट ओव्यूल्स. ठीक है जी. और नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बेटा, ध्यान से देखना, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट इन ओव्यू. इसी के अंदर ये सब टॉपिक है, कैसे मैच्योर ओव्यूल क्या है जिसमें फीमेल गैमेटोफाइट है, तो कैसे है फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक. एंजियोस्पर्म्स में हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट. जैसे मेल स्पोरोफाइट, मेल गैमेटोफाइट तो लिबरेट कर गया था, बट ये लिबरेट नहीं करता है, ये यहीं पे ही अटैच रहता है. ठीक है. अब हम देखते हैं कैसे. ये है ओव्यूल और ये सारा क्या है, न्यू सेलस. ये है एपिडर्मिस दिस इज एपिडर्मिस और ये सारा इसके अंदर है न्यूसेलस. माइक्रोपाइलर एंड की तरफ वन सेल ऑफ द न्यूसेलस, इसको हम कहते हैं हाइपोडर्मल सेल. डर्मिस के एपिडर्मिस के थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा अलग. सो दिस इज इट एक्ट्स एज आर्किस्पोरियम सेल. हाइपोडर्मल न्यूसेलर सेल. ठीक है ना. अब ये आर्किस्पोरियल सेल, एक ही आर्किस्पोरियल सेल है, सिंगल. मेल में तो बहुत ज्यादा थे, यहां पर एक ही है. इसमें क्या हुआ, माइटोसिस टू फॉर्म टू सेल्स. ये सारे क्या है, न्यू सेलर. मैं अब सारा नहीं दिखा रही हूं,
This cell is called as parietal cell, and this is called as sporogenous cell. Ulta maine likh diya, I'm sorry. This is sporogenous and this is parietal cell. नीचे वाला पेराइटल सेल है, आप थोड़ा ठीक करके लिख लेना. नीचे वाला पेराइटल सेल, ऊपर वाला स्पोरोजिनस सेल. पेराइटल सेल डिवाइड्स फॉर फ्यू टाइम्स एंड देन द डॉटर सेल्स degenerate, डिवाइड करता है, बट उसके बाद जो इसकी डॉटर सेल्स दो तीन बनती है वो डीजेनरेट कर जाती है, कोई फंक्शन नहीं है. स्पोरोजिनस सेल एक्ट एज मेगास्पोर, मदर सेल. अब मैं थोड़ा सा दिखा दूं. ये सारा न्यूसेलस ही है. ये क्या थे? डॉटर सेल्स ऑफ पेराइटल सेल. ये है मेगास्पोर मदर सेल. समझ में आई मेरी बात यहाँ पर? ठीक है, कि यहाँ पे जो आर्की, वहां पे हमने क्या बताया था मेल गैमेटोफाइट में, कि जो पेराइटल सेल है उन्होंने क्या बनाई? वॉल लेयर्स बनाई. कौन कौन सी? एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स, एपिटल. जबकि यहाँ पे पेराइटल सेल का कोई रोल नहीं है. डिवाइड किया बट उसके बाद डिविजन भी बंद कर दी, और उसके बाद जो डॉटर सेल्स बने वो भी मर गए. क्या फंक्शनल है? स्पोरोजिनस सेल विच एक्सेस मेगास्पोर मदर सेल. ये सब ये कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है बेटा. ये मैंने बाहर का पूरा नहीं बनाया, ठीक है? ये कहाँ? ये यहीं पे हो रहा है सब कुछ. ये भी यहीं पर ही हो रहा है. इज इट ओके? ठीक है, लिखो पहले बनाओ. सो थैंक यू मैम. ओके बेटा सरगम. ठीक है, अगली बार शिवांशी, भव्य है बेटा, ये पढ़ के आना सारा, ताकि हम जो है ये रिवाइज भी करेंगे और मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगी अगली बार. ठीक है मैम. ओके.